ग्रेट मॉडल आउट है। हाँ, सिर्फ इसके जो अब मॉडल्स आए हैं, जो इसके अब वेरिएंट्स आए हैं, दी हैव गॉट सम अमेजिंग फीचर्स, बट ये आईफोन का जो मेन लुक था, जो उसकी ब्रॉडनेस थी, जो उसकी ब्रेथ थी, या ये कहें कि जो वो खास था, वो कुछ सीरीज तक ही देखने को मिला था। तो आईफोन का 4S उन्हीं में से एक है। यस, दिस इज वन ऑफ दोस वेरिएंट आउट है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस आईफोन 4S। As we all know that this has been a very interesting model. भले ही capital screen थी, छोटा सा model था, देखने में उतना ज़्यादा ये vibrant नहीं था, but yes, it has got a screen size of 3.5 inches along with IPS LCD captive touch screen. Yes, भले ही 2011 model है, but हमने देखा 11 की जो models थे, उनमें इतना ज़्यादा हमें खास देखने को नहीं मिला था, जितना Apple की ये iPhone की 4S की series थी। IPS LCD capital touch screen के साथ साथ आपको इसमें ग्लास फ्रंट देखने को मिलता था और ग्लास बैक ही था। मतलब प्रोटेक्शन का ध्यान आईफोन में हमेशा से रहा है। प्रोटेक्शन वाज देयर प्रायोरिटी एंड दैट कैन बी सीन इन आईफोन एज वेल। टॉकिंग अबाउट दी प्रोटेक्शन, इसमें गोरिल्ला ग्लास था। यस, गोरिल्ला ग्लास था। वहीं पर इसकी जो शाइनिंग कोटिंग थी, दैट वॉज बिकॉज ऑफ दी ओलियोफोबिक कोटिंग आउट देयर। इसमें ओलियोफोबिक की कोटिंग थी। वहीं पर ड्रॉबैक अभी के टाइम में, यस, इन 2020 इफ वी टॉक अबाउट, तो iOS 5 यूज किया गया था इसमें 2011 में, व्हिच वाज अ ग्रेट वेरिएंट एंड कुड बी अपग्रेडेड अप टू iOS 9.3.5। मतलब iOS 9 तक आराम से हो रहा था, बट सिंस अब iOS 14 तक आ चुका है, तो इसीलिए थोड़ा सा वीक वर्जन है ये, बट स्टिल अ वेरी ग्रेट वर्जन, बिकॉज उसमें एप्पल A5 यूज किया गया था, जो कि बहुत ज्यादा एडवांस था 2011 के मॉडल्स के अकॉर्डिंग। एंड सिंस इट ऑफर्स अ ग्रेट वेरिएंट, ग्रेट वैरायटी ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। हाँ, स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको बहुत सारी स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिलेगी। लाइक इसकी स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो 8GB से स्टार्ट हो रहा है। 8 है इसमें, 16 है इसमें, 32GB भी देखने को मिल रहा है, वेर एज यू गेट टू सी 64GB एज वेल एज। मतलब इसमें जीबी जो है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा थी, बट इसकी जो रैम क्वालिटी थी वो उतनी ज्यादा नहीं हो पाई। 512 MB की रैम ही थी इसमें, 512 MB की रैम देखने को मिली थी। टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। वहीं पर इसमें आपको जो कैमरा है, सेल्फी कैमरा है, ये आईफोन के 4 से ही सेल्फी कैमरा ज्यादातर इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड इट हैज VGA सेल्फी कैमरा। जी हाँ, VGA बहुत ज्यादा उस टाइम पे पॉपुलर था, अबाउट VGA और 1.3 MP का कैमरा, ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस थे। सो दिस वॉज दी अबाउट द कैमरा क्वालिटी ऑफ आईफोन 4S। वेयर टॉकिंग अबाउट द रियर कैमरा ऑफ दिस फोन, कैप्चरिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा अच्छी थी। यस, इट हैज अ वेरी गुड कैप्चरिंग कैपेसिटी टू। 8 MP का रेयर कैमरा था। Although इसे थोड़े से हैवी कैमरास देखने को मिल चुके हैं, बट ये स्टिल इट वाज अ नाइस वेरिएंट। लाउड स्पीकर के साथ साथ आपको इसमें देखने को मिलेगा अच्छा खासा यहाँ पर वेरिएशन। ये लाउड स्पीकर भी है, स्टीरियो टाइप का, 3.5 का जैक भी देखने को मिला था। वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ साथ इसमें आपको बहुत सारे अलग कनेक्शन देखने को मिले थे, लाइक ब्लूटूथ है, GPS है, रेडियो नहीं होता है आईफोन्स में, यूजली रेडियो नहीं दिखते मिलते, तो वो भी नहीं था। USB 2 type लगता था। Yes, charger has been adapted, has been changed due course of time. So definitely वो भी change हुआ है। Whereas the battery life, if we talk about the battery life, then definitely we can say कि इसमें non-removable battery थी of 1,432 mAh की। जो 1,432 mAh की battery life थी, this was a wonderful thing. साथ ही साथ इसके colorization की बात करें तो इसमें mostly आपको अलग अलग colors देखने को मिलेंगे। इस colorization की बात करें तो इसमें colors बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। Whereas talking about the availability of this gadget, क्योंकि iPhone 4S जो है अभी मार्केट में उतना ज्यादा लोगों को हर साइट पे देखने को नहीं मिलता, बट स्टिल दिस इज वन ऑफ अ ग्रेट वेरियंट, तो डेफिनेटली एवरीवन वांट्स टू ट्राई इट वंस। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन द लिंक, यू लाइकली लैंड अप टू दिस वेबसाइट।
जी हाँ, जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं ऐसी वेबसाइट ओपन होती है एंड दिस गिव्स यू अ एडवांटेज, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ब्रांड नहीं, यहाँ पर आपको हर ब्रांड देखने को मिलेगा। इफ यू टॉक अबाउट द ब्रांड्स आउट है तो इधर ऑल मोबाइल फोन्स लिखा हुआ है एंड हियर यू गेट टू सी एप्पल, सैमसंग, नोकिया एंड मेनी मोर, देयर आर एन नंबर ऑफ ब्रांड्स आउट है और हर ब्रांड के यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं। द साइट नेम व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन phoneszone.ae, आप इसे गूगल पे भी ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज लिंक तो आपके लिए है ही डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ अगर आपको सर्च फॉर आइटम देखना है एंड व्हेन यू डू इट यू गेट टू सी आइकन आउट देयर एंड ऑल यू हैव टू डू इज टाइप योर फेवरेट मॉडल आउट देयर एंड व्हेन वी टाइप इट वी गेट टू सी अ लॉट ऑफ वेरिएंट्स आउट हियर, बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं वेरिएंट्स की, टिल देन इट इज सर्चिंग आउट, तो हम कह सकते हैं कि इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। एज यू वर सेइंग कि बहुत सारी चीजें क्या देखने के मिल सकते हैं इसमें आपको, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, कलर्स देखने को मिलेंगे, लाइक ओएस का 64 GB है तो 8 GB वाइट भी है यहाँ पर, 64 GB ब्लैक भी देखने को मिल रहा है, तो वहीं पे 32 GB भी है, एवरी वेरियंट इज अवेलेबल। But the most common thing written all over is just refurbished condition, refurbished, refurbished and refurbished out there. यहाँ पर refurbished लिखा हुआ है, तो let us talk about the refurbished condition itself. Talking about the refurbished condition is actually a type of a condition or you can say a certificate जो किसी भी gadget को दिया जाता है. Yes, this is given to any gadget. When we talk about the gadgets, यहाँ पर उनको mention कर दिया जाता है sites पे. और साथ में उनकी कंडीशन लिख दी जाती है रिफर्बिश, जस्ट लाइक द अदर गैजेट्स आउट देयर व्हिच आर रिटन विद कंडीशंस लाइक ब्रांड न्यू और डिसकंटिन्यूड और एनी अदर जो भी उनकी मार्केट में कंडीशन होती है। रिफर्बिश्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? रिफर्बिश्ड वर्ड मतलब कि नए जैसा, यस, क्रिएटिंग समथिंग न्यूली लाइक। तो हम जब इसकी बात करते हैं तो इसमें कहा जा सकता है कि न्यूली लाइक प्रोडक्ट हो जाता है एंड देन वी कैन से कि ये कंडीशन जो है ये कुछ पैरामीटर्स पे डिफाइन होती है, कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स देने होते हैं विच गिव्स देम एक्चुअली कि कैसे कैसे होते हैं, जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट जब वो रिलीज होता है मार्केट में, लॉन्च होता है तो उससे सर्टिफिकेशंस होते हैं, वैसे ही इनमें भी सर्टिफिकेशंस होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट दीज सर्टिफिकेशंस, दीज इंक्लूड ऑल द पैरामीटर्स लाइक द डिस्प्ले, सेम रिकॉग्नाइजेशन, बैटरी लाइफ, your camera quality, audio quality, your connectivities, Bluetooth, Wi-Fi, your hotspot connectivity, your LCD capture touch screen with upon OS, your operating system, your processor, your hard drives, your storage capacity, मतलब जितने भी factors होते हैं, whichever they include, like the battery talk time कितना है, standby में कितना दे रहा है, talk time में कितना दे रहा है, multimedia में कितना दे रहा है, वहीं पर उसकी sensitivities कैसी है, इसका If it is Apple, तो उसकी Siri language कैसी है? If it is some other, तो उसको Google Assistant कैसा है? If it is about sensitivity, then accelerometer कैसा है? Gyrometer कैसे काम कर रहा है? उसमें 3.5 का jack है, नहीं है? उसमें आपको display का जो है resolution सही मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? Display जो type बोली गई थी, वही है, नहीं है? SIM slotation कैसा है? साथ ही साथ उसमें capacitive touch screen के अलावा कोई और तो नहीं है? LED डिस्कलराइजेशन कैसा है? टॉकिंग अबाउट दी मेमोरी कार्ड स्लॉटेशन है या नहीं है? स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? उसका जैक कैसे काम कर रहा है? एवरीथिंग विच एवर द फीचर्स वी ऑल स्टडी अबाउट अ फोन, जो भी हम किसी फोन में पढ़ते हैं। साथ ही साथ एप्पल एंड मेनी अदर कंपनी सेज दैट कि यस, रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स आर गुड फॉर द मार्केट। व्हाई वी से सो? Refurbished products में आपको चार factors देखने को मिलते हैं। When we talk about these four factors, these are like the one, pocketable friendly rates होते हैं। Number two, you get to save 15% of savings. Yes, 15% savings हो जाती है। Number three, 7 days money back and replacement guarantee. Yes, you get 7 days money back and replacement guarantee on this site specifically. With terms and conditions obviously. And the fourth and the most important that you get 6 months warranty. Yes, you get 6 months warranty with your product. अगर हम description में पढ़ें, अगर किसी भी product को हम लेते हैं, जब हम description पढ़ते हैं, so you get to see a normal description out here, एक normal generalized description देखने को हम यहाँ मिल जाता है।
टॉकिंग अबाउट दिस, दिस हैज गॉट एन अमेजिंग वेरिएशन, और साथ ही साथ आपको इसमें यहाँ पर वारंटी का भी देखने को मिल रहा है. देयर इट इज रिटन इटसेल्फ, 6 months वारंटी ड्यूरेशन इज रिटन. सो इट गिव्स यू अ एश्योरिटी कि आपको 6 months की रिटर्न पॉलिसी मिल रही है. टू नो मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड द प्राइसिंग यू कैन चेक आउट द लिंक. और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज है कि यहाँ पर आपको फ्री शिपिंग के साथ सीओडी की एलिजिबिलिटी भी मिलती है डिपेंडिंग अपॉन द एरिया इटसेल्फ. साथ ही साथ सऊदी में इट टेक्स अराउंड 1 week शिपिंग टाइम, वेयर एज यूएई की बाकी पार्ट्स में 48 आवर्स में शिपिंग हो जाती है. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन द हेल्पलाइन नंबर और विजिट द साइट आउट देयर. टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.